खबर स्टेशन में आपका स्वागत है। सलमान खान, करण जौहर, महेश भट्ट जैसे लोग यूं तो अपनी फिल्मों को पाकिस्तान में चलाने के लिए हमेशा से लालायत रहते हैं। यहां तक कि कुछ भी हो जाए, इनका पाकिस्तान से प्यार खत्म नहीं होता। इन्हें देश की भलाई उसकी सोच से कोई लेना देना नहीं है। ये तो बस चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोगों में हीरो बने रहें, ताकि पाकिस्तान में उनकी बेकार की फिल्में पैसा कमाती रहें। इसके चलते ज्यादातर फिल्मों में ये लोग पाकिस्तानी एक्टर्स को रखते हैं। इनको पता है कि भारत के लोग तो सोए हुए हैं, इनको कोई मतलब नहीं कि कौन कौन से देश का है। लेकिन अगर पाकिस्तान के एक्टर को फिल्म में रख लिया जाए तो हमारी पिटी हुई फिल्म पाकिस्तान में हिट जरूर हो जाएगी और कुछ पैसे भी कमा लेंगे। आपने नोट भी किया होगा कि जब उरी आतंकवादी हमला हुआ तो किसी की जुबान नहीं चली। यहां तक कि पाकिस्तान की उस नापाक हरकत की निंदा पूरा विश्व कर रहा था, लेकिन सलमान खान, करण जौहर और पाकिस्तानी प्रेमी महेश भट्ट के मुंह से एक लफ्ज नहीं आया कि पाकिस्तान ने बहुत ही गिरी हुई हरकत की है। इनकी पाकिस्तान परस्ती का मुजरा तो तब हुआ जब भारत में देश प्रेमी आवाजों ने आतंकवादियों के ठिकाने वाले पाकिस्तान के एक्टर्स को भारत छोड़ने को कहा। इनका सारा हेस टपक पड़ा और इस पर रोने लगे और ऐसे उनका बचाव करने लगे जैसे इनको पाकिस्तान ने अपना वकील चुनकर भेजा है। सलमान खान ने कहा कि वो एक्टर्स हैं, आतंकवादी नहीं। तो क्या वो आतंकवादी थे जिन पर सोते हुए वार किया गया? भारत के वो वीर सिपाही कौन सी जंग लड़ रहे थे? कौन सा पाकिस्तान पर गोला बारूद गिरा रहे थे? पाकिस्तान ने बिना किसी अल्टीमेटम के उन पर हमला बोल दिया और बुजदिलों की तरह मक्कारी का परिचय देते हुए पाकिस्तान ने पाकिस्तान की हद पार कर भारत में घुसकर उन सोते हुए जवानों पर वार कर दिया। अगर पाकिस्तान बार बार हमारे जवानों पर वार करता रहेगा और बिना किसी मसले के सीज फायर का उल्लंघन करता रहेगा तो भारत के लोगों में उसके प्रति गुस्सा आना तो लाजमी है। ऐसे में ये दो कौड़ी के लोग पाकिस्तान के लोगों को हीरो बनाते रहेंगे तो क्या सहा जाएगा? एक्टर्स हैं, एक्टर्स रहें, मानवता की शिक्षा किसी और को जाकर दें तो ठीक रहेगा। शर्म की बात और सुनो, सलमान खान के समर्थन में भी लोग टीवी पर मानवता का ढिंढोरा पीटते नजर आ जाते हैं। हालांकि हर जगह उनको चाहे एंकर हो या सोशल मीडिया, गाली ही सुनने को मिलती हैं। नाना पाटेकर ने पाकिस्तान के एक्टर्स का सपोर्ट करने वालों के मुंह पर जूता मारते हुए कहा था कि उनको अहमियत मत दो, उनकी औकात नहीं है अहमियत देने की। सलमान खान के पापा जी ने उस चैनल को कोसते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर पता नहीं क्या क्या लिखा। पाकिस्तानी एक्टर्स को सपोर्ट करने पर विरोध कर रहे चैनल्स के बारे में उल्टा सीधा लिखा है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, ऐसे लोगों से शर्म की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं की जा सकती, क्योंकि उन्हें पैसे से ही लेना देना होता है। ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वश चले तो पाकिस्तान में जाकर बस भी सकते हैं। गर्व के साथ खबर स्टेशन की रिपोर्ट।